Hey everyone, I'm Rajiv Chopra. Welcome to our channel, which is Chemistry Wale. तो मेरे बच्चों अभी के हम बात करने वाले हैं जो recently CBSE upgrades आए हैं जिसके अकॉर्डिंग हमें मालूम चला कि हमारे CBSE फिर से postpone हो गया है, जिसके बारे में फर्दर हमें 1 जून को क्लैरिटी होगी कि एग्जाम कब होंगे या फर्दर क्या उसकी डेट्स रहेंगी। तो आज के लेक्चर में हम लोग का मेन एजेंडा सब्जेक्ट से थोड़ा हटकर है। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि कैसे हम लोग अपने केमिस्ट्री सिलेबस को विद इन अपकमिंग 4 वीक्स मैनेज कर सकते हैं। स्टूडेंट काफी वरिड है, दे आर वेरी मच लेस कॉन्फिडेंट नाउअडेज कि हाउ टू मैनेज आवर सिलेबस। स्टूडेंट फुल्ली प्रिपेयर थे इन द मंथ ऑफ फरवरी, फिर अपडेशन आया कि एग्जाम आपका डिले हो गया, फिर फॉर 2 मंथ्स स्टूडेंट ने रिविजन की, प्रेपरेशन की, ओके। बट अब ऐसी नौबत आ चुकी है कि स्टूडेंट को लगता है कि यार पढ़े कैसे, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कुछ कन्फर्मेशन नहीं है। बट मेरा मानना यह है कि अगर जो भी हमारा सब्जेक्ट है, फाइनली कभी ना कभी तो एग्जाम्स होंगे, कोई ना कोई एग्जाम तो जरूर होगा। हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो भी नीट एग्जाम हुआ था, जब मंथ सितंबर तक पोस्टपोन हुआ, पोस्टपोन हो रहा है, कैंसिल तो नहीं हो रहा, एग्जाम जरूर होने के चांसेस पूरे लग रहे हैं हमें। स्टिल बात करते हैं सिलेबस की, तो केमिस्ट्री सब्जेक्ट में मोस्ट ऑफ द केसेस में स्टूडेंट्स वरिड रहते हैं ऑर्गेनिक और न्यूमेरिकल्स के लिए। बट आज हम डिस्कशन करेंगे उन्हीं पोर्शंस के बारे में कि हाउ टू टैकल विद दैट पोर्शन, एट व्हाट टाइम वी हैव टू मैनेज आवर थ्योरेटिकल पोर्शन, कैसे हम स्ट्रक्चर्स के पोर्शन की बात करें, कैसे हम ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस करें, कैसे हम न्यूमेरिकल्स को जो है डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं और कैसे उसको हम टच में ला सकते हैं। तो बात आई यहां पर टोटल सिलेबस की, तो प्रीवियसली बात करें तो 16 चैप्टर्स थे, बिल्कुल रिसेंटली अपडेटेड सिलेबस जो है सीबीएसई के अकॉर्डिंग हम उसी को लेकर के चलने वाले हैं। टोटल 13 चैप्टर हमारे सामने लिखे गए। इन 13 चैप्टर्स में मैंने अपने व्यापक 4 पोर्शंस में इस पूरे सिलेबस को बाइफरकेट कर दिया, जिसमें हमने देखा पोर्शन नंबर 1 इज टोटली थ्योरी बेस्ड, जहां हम बात कर रहे हैं चैप्टर्स की लाइक सरफेस केमिस्ट्री, पी ब्लॉक, डीएनए ब्लॉक। फिर बात है पोर्शन नंबर 2 की, जिसमें स्ट्रक्चर्स की बात हो रही है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, बायोमोलेक्यूल। कुछ लोग इस चैप्टर के नेम सुनकर ही थोड़ा सा हेजिटेट कर जाते हैं कि यार ये चैप्टर तो मेरे बस का नहीं, ये चैप्टर तो स्पेसिफिकली डाउटफुल लगता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें लगता है कि बायोमोलिक्यूल सर आउट ऑफ रीच है क्योंकि बायो रिलेटेड लगता है, सर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आज तक समझ में नहीं आया, तो ऐसे स्टूडेंट खास तौर पर कमेंट बॉक्स के थ्रू अपना ओपिनियन दे सकते हैं कि इफ दे वांट स्पेसिफिक वीडियोस बेस्ड ऑन दीज पोर्शन देन वी कैन प्रोवाइड देम स्पेसिफिक वीडियोस। ओके, बात करते हैं पोर्शन नंबर 3 की, न्यूमेरिकल्स की, सॉलिड स्टेट सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक। कुछ बच्चों को न्यूमेरिकल करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि उनकी कैलकुलेशन फास्ट है, कुछ मेडिकल बैकग्राउंड के बच्चों को न्यूमेरिकल करना डिफिकल्ट लगता है कि सर हमसे तो आंसर ही नहीं निकलते। तो खास तौर पर उन बच्चों के लिए जिन्हें न्यूमेरिकल का पार्ट डिफिकल्ट लगता है, एक सबसे अच्छी बात क्या है इस पोर्शन की, सॉलिड स्टेट में एक बिल्कुल गारंटी टॉपिक है डेंसिटी, जिसके बिना आज तक एग्जाम नहीं बना। सॉल्यूशन चैप्टर में मैं बात करूं क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज की, उनमें भी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट जैसे 100% गारंटीड टॉपिक है, इन दोनों में से एक पर न्यूमेरिकल ऑलवेज मिलता है। ये सबसे अच्छा पॉइंट मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से नर्स इक्वेशन ऐसा 100% गारंटीड टॉपिक है जिस पर हमें डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा। केमिकल काइनेटिक की अगर बात करूं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ओरिएंटेड भी हमें 100% कंफर्म्ड क्वेश्चन मिलता है मिलता है। तो इस तरीके के जो मैं 100% श्योरिटी वाले कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, हम लोगों ने एक और इनिशिएटिव लिया इस न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बच्चों के लिए हमारी एक सीरीज स्टार्ट हो चुकी है जिसमें हम टॉपिक वाइज एक स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, उस पर बेस्ड अच्छे से अच्छे केसेस बना करके बच्चों को न्यूमेरिकल क्लियर करवाए जा रहे हैं। ये सीरीज स्टार्ट हो चुकी है, न्यू व्यूअर जो भी है मैं रिक्वेस्ट करूंगा स्टूडेंट्स को कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं न्यूमेरिकल ओरिएंटेड, इन वीडियोस के थ्रू बच्चों की ये न्यूमेरिकल की प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकती है, जिसमें कंप्लीट आंसर तक बात की जाएगी, कैसे कैलकुलेशन करनी है उसकी भी बात की जाएगी। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं, हमारा पोर्शन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक में डिफरेंट चैप्टर्स हैं, ऑर्गेनिक बच्चों को मेनली टफ लगती है। क्यों लगती है टफ? क्योंकि क्लास 11th में बच्चों ने ऑर्गेनिक अच्छे से नहीं पढ़ी, रीजन कुछ भी हो सकता है, घर की क्लास हो सकती है, ऐसा लगता है स्टूडेंट्स को, ऐसा लगता है कि 11th क्लास को हम जैसे मर्जी टैकल करें, 12th में देखेंगे, बोर्ड में अच्छे से पढ़ेंगे। तो ये जो वहम है कि 11th इंपॉर्टेंट नहीं है, वो एक गलत फहमी है, 11th की ऑर्गेनिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात है कि ऑर्गेनिक को कैसे पढ़े सर, 11th तो हमारे कॉन्सेप्ट से क्लियर नहीं है, तो हम लोग और भी इनिशिएटिव लेने जा रहे हैं स्पेशली फॉर द ऑर्गेनिक भी हम 11th ओरिएंटेड, इनफैक्ट क्लास 10th की कार्बन एंड कंपाउंड चैप्टर से लेकर के
11th के जीओसी की बात कर रहा हूं, हाइड्रोकार्बन की बात करूं, उन सब पर हम डिस्कशन करेंगे। फिर हम 12th की ऑर्गेनिक के टॉपिक भी लेकर के आएंगे। बहुत ही शॉर्ट वीडियोस में आपको काफी कुछ जो है कॉन्सेप्ट्स ऑर्गेनिक के क्लियर कर दिए जाएंगे, ये कमिटमेंट रहेगी। फर्दर हम बात करेंगे कैसे इन पोर्शंस को टैकल किया जाए बहुत ही लिमिटेड डेज में। अब जैसे हम बात करें ऑलमोस्ट 1 मंथ हम लोगों के पास फिर से है, इसमें अब कैसे हम रिविजन करें, कैसे अपने पोर्शंस को पढ़ें, उसे कैसे मैनेज करें, उसके टेस्टिंग कैसे फेस करें, क्या हमें कोई टेस्ट सीरीज फेस करनी चाहिए, क्या हमें सैम्पल पेपर पढ़ना चाहिए, बच्चे वर्ड है कि हमें क्या एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या सर हमें बुक रीडिंग करनी चाहिए, क्या हम किसी सैम्पल पेपर से उठाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करें या अपने चैप्टर रिवाइज करें। मैं फिर कहता हूं बच्चे पूरे सिलेबस को अगर एक सीक्वेंस फॉलो करने का प्लान कर रहे हैं तो एक गलत प्लानिंग है। आप पूरे 1 by 1 चैप्टर पढ़ते रहिए, आप 10 बार पढ़ लीजिए, स्टिल आपको कॉन्फिडेंस नहीं आ सकता। जो मैं स्ट्रेटजी बता रहा हूं फॉर श्योर इससे कॉन्फिडेंस आएगा। सबसे पहले हमें अपने थ्योरेटिकल पोर्शन पर कमांड लानी है। सबसे पहले मैं कहूंगा बच्चों का जो फेवरेट पोर्शन है उससे स्टार्टिंग करनी चाहिए। बच्चों को ऑलवेज थ्योरेटिकल चैप्टर इजी लगते हैं क्योंकि ना तो उसमें रिएक्शंस है, ना स्ट्रक्चर्स है, ना न्यूमेरिकल है। तो बेस्ट क्या है, इंग्लिश ठीक ठाक है तो मतलब थ्योरेटिकल पार्ट से स्टार्टिंग की जा सकती है। बहुत ही स्पेसिफिक नोट्स के थ्रू इन पोर्शन को पढ़ा जा सकता है। ऐसे नोट्स अगर किसी स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट है कमेंट ऑप्शन के थ्रू अपना ओपिनियन दे सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम आईडी है, इसके थ्रू हमसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। टेलीग्राम की अगर मैं बात करूं तो यहाँ केमिस्ट्री वाले को सर्च करेंगे तो यहाँ भी आपको पीडीएफ नोट्स कंप्लीट टोटल मटेरियल मिल जाएगा। सरफेस केमिस्ट्री के स्पेसिफिक नोट्स के थ्रू चैप्टर इन टच लाओ, पी ब्लॉक नोट्स, डीएनए ब्लॉक, सिलेक्टेड पोर्शन, थ्योरेटिकल पार्ट, चैप्टर एट ए ग्लांस, थ्योरी पार्ट है, रीडिंग केयर ओके। बट मैं फिर कहूंगा सिर्फ बुक रीडिंग से बात नहीं बनेगी, बात बनेगी इन्हीं के साथ बेस्ड इनके क्वेश्चन की अप्रोच, इनकी एप्लीकेशन। बात आ रही है कि सरफेस केमिस्ट्री का हमें थ्योरेटिकल पार्ट पर कितने डेज इन्वेस्ट करने चाहिए। मैं बात करता हूँ सरफेस केमिस्ट्री की तो मैक्सिमम 2 डेज सफिशियंट है। एक दिन इसका चैप्टर रिवाइज करो और नेक्स्ट डे क्या पढ़े, वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जो होते हैं ना 1 मार्क वाले, उससे बहुत बारीक चीजें क्लियर हो जाती है। वेरी शॉर्ट आंसर को पढ़ना है, दिस इज वॉट राउंड 1। नेक्स्ट चल पढ़े, उससे नेक्स्ट डे पी ब्लॉक पढ़ा, थ्योरेटिकल पोर्शन है गो थ्रू किया, शॉर्ट रीडिंग की हमने, फिर हमारे वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस पर। मैं नहीं कहूंगा इसके साथ साथ आप अभी से सैंपल पेपर उठा करके उसे पढ़ो, दिस इज आर राउंड 1 ओनली। फिर हम डीएनए ब्लॉक की बात करेंगे, चैप्टर को इन टच लाए और वेरी शॉर्ट आंसर के 30-40 क्वेश्चंस के तो चैप्टर हमारा इन टच आ गया, दिस इज आर राउंड 1। तो थ्योरेटिकल पार्ट डन, बात करेंगे इससे आगे। तो अब तक हम डिस्कशन कर चुके हैं कि कैसे हमें डिफरेंट पोर्शंस पर काम करना है। मैं बात करता हूं बिल्कुल शॉर्टकट में कि सबसे पहले हमें थ्योरी को पकड़ना है, उसके बाद हम आएंगे स्ट्रक्चर पर। इसके बाद मैं बोला था कि राउंड 1 में हम चैप्टर को इन टच लाएंगे। राउंड 1 में चैप्टर इन टच बोले तो जो आपके शॉर्ट नोट्स आप लोग के पास कॉपीज मेंटेन है, नहीं है तो पीडीएफ हम प्रोवाइड करेंगे। राउंड 1 में आपका चैप्टर इन टच आना चाहिए, इस चैप्टर इन टॉपिक है इसका मतलब है व्हाटएवर। राउंड 2 की हम बात करते हैं, राउंड 2 में जब हम आएंगे तो इसमें वेरी शॉर्ट आंसर पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है जिससे हमारे बेसिक्स पूरी तरह क्लियर हो जाएंगे। बात करते हैं मल्टी सब्जेक्ट की, बच्चे इस चीज के लिए भी वरिड है कि सर कैसे हम अपने इतने सारे सब्जेक्ट्स को मैनेज करें, सभी का प्रेशर है, सभी का इतना सारा सिलेबस है, कब क्या पढ़े क्या ना पढ़े, तो बहुत लगता है कि हम आउट ऑफ रीच जा रहे हैं, कुछ नहीं पढ़ना जी, बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं मिला। तो उस चीज के इंटरेस्ट को मेंटेन करने के लिए मैं बोलता हूं बच्चों को हमेशा कि आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, आप सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दो। सबसे पहले उस सब्जेक्ट से स्टार्टिंग करो जिसमें आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्ट है। मैं बात करता हूँ मेडिकल स्टूडेंट्स को बायो थोड़ी इजी लगती है, उससे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ नॉन मेडिकल हो या मेडिकल हो, कॉमर्स हो, किसी भी तरह का बच्चा हो, उसे अगर इंग्लिश सब्जेक्ट ईजी लगता है तो क्यों ना वो उसी से शुरुआत करे। सबसे पहले इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट की शॉर्ट समरी पढ़ो, तुम्हारा एक राउंड कंप्लीट हो गया इंग्लिश के सब्जेक्ट का। उसके बाद अगर हम बात करें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स की, इन तीनों में से लगता है कि केमिस्ट्री थोड़ा कंपैरेटिवली एक इजी सब्जेक्ट लगता है तो फिर केमिस्ट्री से शुरुआत करो। फिर मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट बनता है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है और उसके बाद जाकर आप फिजिक्स को उठाओ, ऐसा ना हो कि आप स्टार्टिंग में फिजिक्स ले लो और फिर आप लोग का इंटरेस्ट ना बने, बाय चांस कहीं न्यूमेरिकल अटका, कहीं डेरिवेशन नहीं आया, ये लगता है कि फिजिक्स का ये टॉपिक तो यार मेरे मुझे समझ ही नहीं आया, तो फिर उसके लिए तुम वीडियो सर्च करो और उस पर टाइम वेस्ट करो तो बाकी सब्जेक्ट्स का टाइम वेस्ट होगा और उसमें आपका इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं बनेगा। तो सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट से शुरुआत करनी चाहिए। बात हम कर रहे थे इन पोर्शंस की, तो यहां पे डेज की स्ट्रेटजी को फॉलो किया। तो अगर हम बात करते हैं आज की, आज हम स्टार्ट करते हैं 26 मई से पढ़ना स्टार्ट करेंगे। 26 मई से यहाँ डेज मेंशन है, मार्क्स नहीं है। सरफेस केमिस्ट्री के लिए 2 दिन सफिशियंट है, इससे आपका चैप्टर पूरी तरह इंटच आ जाएगा। इसमें आप 2 दिन में चैप्टर के शॉर्ट नोट्स पढ़ो और वेरी शॉर्ट आंसर जरूर पढ़ो। बच्चे बोलते हैं कि सर जो नए पैटर्न के क्वेश्चन है लाइक केस स्टडीज है या एमसीक्यू है,
सर क्या हम रीजन एसर्शन के क्वेश्चन भी दो ही दिन में कर लेंगे? तो मैं फिर ये कहूंगा, आजकल काफी इस तरह के सैंपल पेपर अवेलेबल हैं, जिसके लिए हम क्विकली अपने नोट्स को पढ़ें या उसकी समरी पढ़ें। चैप्टर इन टच आ गया, इतने लंबे टाइम से कुछ ना कुछ तो जरूर इन टच है, नहीं है तो हमारे शॉर्ट नोट्स आपको मिल जाएंगे, वो बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में है। सेकेंड डे हमने उसके क्वेश्चन मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यू की अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यू के लिए बच्चों को एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, वो बहुत ही लिमिटेड से क्वेश्चन है, 20-25-26 क्वेश्चन से ज्यादा नहीं है, उसे निपटा लो। फिर बात आई पी ब्लॉक की, पी ब्लॉक थोड़ा लेंदी है, इसमें से हमारे लॉन्ग क्वेश्चन बनने के चांसेस जो कि मल्टी पार्ट्स में होंगे, तो बेटर है कि 4 डेज में हम इसकी स्ट्रेटजी बनाए कि पी ब्लॉक के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, अपने स्ट्रक्चर्स को पकड़ना है। स्ट्रक्चर पर क्वेश्चन गारंटेड बनते हैं 2 मार्क्स के लिए, तो स्ट्रक्चर की प्रैक्टिस बोले तो हाइब्रिडाइजेशन ओरिएंटेड, इसके लिए भी हमारी एक स्पेसिफिक वीडियो आपको मिल जाएगी। फर्दर पी ब्लॉक के लिए हम पहले स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे, फिर हम इसकी शॉर्ट समरी पढ़ेंगे, उसके बाद हम बात करेंगे थर्ड डे हाफ रिएक्शंस की, ये पोर्शन होती है। फोर्थ डे हमें एक दिन पूरा इन्वेस्ट करना है अपना, चाहे हमारी सिटिंग मिनिमम 1 आवर की बनती है, तो उसमें हमें क्वेश्चन को गो थ्रू करना है अपने वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से, इंटरेस्ट जल्दी बनता है। और अगर बाय चांस पढ़ते हुए लगता है कि यार ये टॉपिक समझ नहीं आया या ये क्वेश्चन का आंसर समझ नहीं आया, तो पेंसिल जरूर रखो, बुक के ऊपर मार्क करो कि यार ये डाउटफुल है या ये डाउटफुल है, बाकी को रीडिंग करते हो उसे स्किप करो और आगे चलो। अब बच्चों लगेगा ऐसे तो सारे स्किप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, अगर आप सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ेंगे तो आपको डिफिकल्टी नहीं लगेगी। पहले दिन नोट्स इन टच हो, दूसरे दिन हमने उसकी बात की उसके एडिशनल क्वेश्चंस की। ओवरऑल जैसे डी ब्लॉक की बात की, तो एक दिन में हमने डी ब्लॉक के नोट्स को या उसकी शॉर्ट समरी को इन टच लाया। नेक्स्ट डे जब हमने बात की डी ब्लॉक की, तो सेकंड डे जिस भी चैप्टर के 2 दिन है उसी की बात हो रही है, तो सेकंड डे अगर हम आ रहे हैं उस चैप्टर पर तो हमें क्या करना है, उसी के एक्स्ट्रा क्वेश्चन उठाने और प्रैक्टिस करनी है। अगली बात की ओर बढ़ते हैं, जैसे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और बायोमेडिकल जैसे चैप्टर है जिनमें कहने की स्ट्रक्चर ओरिएंटेड पॉइंट है, बच्चे पूछते हैं सर क्या हमें स्ट्रक्चर भी मिलेंगे, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का क्वेश्चन आएगा? तो नहीं, स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के क्वेश्चन रेयर बनते हैं, बट क्वेश्चन तो रिलेटेड है ना। मैंने जैसे बायोमोलिक्यूल की बात की, तो बायोमोलिक्यूल में कार्बोहाइड्रेट 100% गारंटेड पोर्शन में से एक है, लेकिन इसको समझने के लिए हमें स्ट्रक्चर प्रैक्टिस जरूर करनी है। तो मैं बता रहा था कि कोऑर्डिनेशन और बायोमोलिक्यूल जैसे जो चैप्टर है, इन पर कमांड तभी अच्छी आएगी जब आप इसके लिए क्या करेंगे, रिटर्न प्रैक्टिस करेंगे। डेज इन्वेस्टमेंट सामने लिखी है। अब बच्चे बोले सर बायोमोलिक्यूल तो इजी चैप्टर है, इसमें 4 डेज की क्या रिक्वायरमेंट है? बायोमोलिक्यूल थोड़ा अलग टेस्ट का चैप्टर है, इसके लिए हमें पहले दिन नोट्स की रीडिंग करनी है, लेकिन बायोमोलिक्यूल को भी हम पोर्शन वाइज पढ़ें तो ज्यादा अच्छा होगा। सबसे पहले हम प्रोटीन्स के पार्ट पे काम करें, देन हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें, फिर हम इसके बाद वाले कार्बोहाइड्रेट को स्टार्ट करें। कार्बोहाइड्रेट आपके 2 डेज लेगा, क्योंकि उसमें एक दिन आप कार्बोहाइड्रेट की शॉर्ट समरी पढ़ेंगे और फिर हम बात करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स के स्ट्रक्चर ओरिएंटेड पॉइंट्स की। ओके, तो ये तो थे चैप्टर की कोऑर्डिनेशन और बायोमोलिक्यूल। बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। न्यूमेरिकल्स के लिए हमने अपनी डिफरेंट वीडियोस टॉपिक वाइज प्रोवाइड किए, तो मैं सबसे पहले बच्चों को यही एडवाइस करूंगा इन चैप्टर्स के लिए, चाहे डेज यहाँ 3 है लेकिन फिर भी इस तरह की स्ट्रेटजी को तो फॉलो करना ही करना है, लेकिन टॉपिक वाइज भी नहीं स्किप करना। हम सॉलिड स्टेट में है, सबसे पहले हम उस टॉपिक पर बात करेंगे, ये उन बच्चों के लिए बेनिफिशियल होगा जिन्हें ज्यादा न्यूमेरिकल पसंद नहीं है, जिन्हें न्यूमेरिकल का फोबिया है, उन बच्चों के लिए मैं बोलता हूँ सबसे पहले ऐसा क्यों नहीं करते, जो टॉपिक 100% कंफर्म है उसी को उठा लो, पहले डेंसिटी के टॉपिक को पक्का कर लो ना, उसी के कॉन्सेप्ट पर काम करें, उसी के न्यूमेरिकल 2-4-5 केसेस किए और हमारा टॉपिक कंफर्म हो जाता है, इससे हमारे स्कोर भी जो है सॉलिड स्टेट का कंफर्म हो जाएगा। उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर पढ़ के आपके जो बारीक बारीक क्वेश्चन है, क्योंकि केमिस्ट्री में आना तो 1 मार्क है ना ऑलमोस्ट देखा जाए, चाहे एमसीक्यू है रीजन एसेशन है, तो सब शॉर्ट स्टेटमेंट, तो एक एक नंबर की तो बात है सारी, कोई राम कहानी लिखने का वक्त तो चला गया, तो बहुत ही छोटी छोटी चीजें आनी है, तो उनके लिए मैं बोल रहा था कि वेरी शॉर्ट पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है। एमसीक्यू पर कमांड लानी पड़ेगी, एमसीक्यू पर कमांड तब आएगी जब हम चैप्टर वाइज एग्जाम्पलर पढ़ेंगे, कोई भी रेफरेंस बुक उठा लो उसमें एग्जाम्पलर आपकी डेफिनेटली गिवन है, विद सॉल्यूशन गिवन है। ना मालूम चले कमेंट ऑप्शन के थ्रू आप लोग की जो रिक्वायरमेंट बनती है नोट्स की, स्पेसिफिक मटेरियल की, कोई बुक आपके पास ना, तो हम उस तरह की पीडीएफ भी आप तक प्रोवाइड कर सकते हैं। बात आई सॉल्यूशन की, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की और केमिकल एनर्जी की, तो 2 दिन अगर सॉल्यूशन को दिए गए हैं तो 1 दिन आपको उसके टॉपिक को टच में लाना है और नेक्स्ट डे हमने उसके न्यूमेरिकल्स करने हैं। यहाँ पर जो है हमें न्यूमेरिकल पर खास फोकस रखना है। केमिकल एनर्जी एक ऐसा चैप्टर है जहाँ मिस्टेक्स हो सकती है, बच के चलना है, क्योंकि प्योरली टेक्निकल चैप्टर है, इसके ग्राफ ओरिएंटेड क्वेश्चन 100% गारंटेड है, या तो ग्राफ या टेबल, दोनों ही हाई वेटेज के टॉपिक है, दोनों में से एक अब तक ऑलवेज प्रीवियस 10 ईयर की बात करें तो इसके बिना आज तक सीबीएसई नहीं बना। सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट पॉइंट है जी ऑर्गेनिक का। अब ऑर्गेनिक को कैसे पढ़े, यहां तक थ्योरी पढ़ना या न्यूमेरिकल की बात हम करें या स्ट्रक्चर की बात करें, ये तो फिर भी बच्चों को लगता है कि इन टच है जी, बहुत लंबे टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। ऑर्गेनिक को टैकल करने के लिए मैं कहूंगा चैप्टर वाइज मत पढ़ो,
ऑर्गेनिक में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा कि इतने चैप्टर बार बार पढ़ते हैं, जब हम हमेशा हेलेलकेन से स्टार्ट करते हैं, जब तक सेकंड या थर्ड यूनिट तक पहुंचते हैं तब तक इंटरेस्ट गॉन हो जाता है। बच्चों को लगता है कि यार अब तो सिरदर्द होने लगे, चले और ऑर्गेनिक के नाम पर तो बुक को बंद करो और साइड हो जाओ, बाद में देखेंगे, अभी बहुत टाइम पड़ा। तो टाइम इतना भी नहीं है कि आप बिल्कुल ही रिलैक्स हो जाओ, आपको अपने आप को एनर्जेटिक रखना, अपना वो मोराल अप रखना, डीमोरलाइज नहीं होना किसी भी दिन। आपको कैसे मैनेज करना ये बताया जा रहा है। ऑर्गेनिक से रिलेटेड आपको पढ़ना पोर्शन वाइज, हर एक रेफरेंस बुक में लास्ट में पोर्शन गिवन है, कहीं गिवन है जी केमिकल टेस्ट का कंप्लीट पोर्शन, कहीं गिवन है हाफ रिएक्शंस, कहीं गिवन है कन्वर्जेंस कंप्लीट। तो मैं बताता हूं ऑर्गेनिक के लिए आप लोगों को सबसे पहले क्या पढ़ना है, सबसे पहले आपको पढ़ना है जी केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट पढ़ने से एक तो आपका स्कोर कंफर्म हो जाता है, एटलीस्ट फॉर 2 मार्क्स आपको केमिकल टेस्ट दिखने ही दिखने। बात आई केमिकल टेस्ट के साथ साथ आपकी कुछ रिएक्शन जो कि नेम रिएक्शन है वो भी कंफर्म हो जाएंगे। राउंड 1 हो गया केमिकल टेस्ट, राउंड 2 पर आपको पढ़नी है नेम रिएक्शन। अब बच्चों सर इतनी नेम रिएक्शन है क्या इंपॉर्टेंट क्या नहीं इंपॉर्टेंट, तो हम इस तरह की कुछ स्पेसिफिक वीडियोस भी आपको पोर्शन वाइज देने वाले हैं, जिसमें आप लोग देखेंगे कि और नेम रिएक्शंस की ही पूरी वीडियो है, केमिकल टेस्ट की ही कंप्लीट वीडियो है, उसे देखने के बाद आपका काफी हद तक स्कोर जो है वो कन्फर्म हो जाएगा। तो नेम रिएक्शन राउंड 2 में आएगा। राउंड 3 की हम बात करें हाफ रिएक्शंस, हाफ रिएक्शन भी काफी हद तक बच्चों के लिए हाई वेटेज का पोर्शन है। अब ये पढ़े कहां, इसकी कलेक्शन कहां मिलेगी, बच्चे इस चीज को लेकर वरीड होते हैं। तो मैं बोलता हूं कोई ना कोई रेफरेंस बुक उठाओ, मेनली हम किसी भी रेफरेंस बुक की बात करें तो उसके लास्ट मोमेंट पे लास्ट पेजेस पे हम देखें तो उसके पास पोर्शन को डिवाइड किया गया, वहां पर गिवन है हाफ रिएक्शन, पूरे ऑर्गेनिक की हाफ रिएक्शंस गिवन है। तो इस तरीके से जब हमारे केमिकल टेस्ट इन टच है, नेम रिएक्शन हो गए, तो हाफ रिएक्शन को करना कुछ हद तक ईजी हो जाएगा। फिर हमने बात की विदाउट नेम रिएक्शन, कुछ ऐसी रिएक्शन होती है जिनमें नाम नहीं इन्वॉल्व लेकिन है वो इंपॉर्टेंट, जैसे फिनॉल को कैसे फिनॉक्सिन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि एक साथ 200-250 रिएक्शन तो याद नहीं होंगे, प्रैक्टिस करेंगे एक के बाद एक उन क्वेश्चन की हम एप्लीकेशन देखेंगे तो पोर्शन हमारा इजी हो जाएगा। फिर बात आती है एक ऐसे पोर्शन की जिसमें 3 मार्क्स का क्वेश्चन 100% बनता है, दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ABCD। तो बच्चे एग्री करेंगे इस बात से कि सर हाँ ये नहीं हमें आज तक मालूम चला, तो ये सबसे लास्ट में आप लोगों को करना है। बच्चों की प्रॉब्लम यह है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते और वो उठा लेते हैं आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन, क्योंकि उसमें सब कुछ यूज होता है, उसमें केमिकल टेस्ट भी, उसमें कन्वर्जन भी, ये भी वो भी सब। मैं बता रहा था ऑर्गेनिक में सबसे ज्यादा सेफ पोर्शन क्या है, दैट इज योर प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। प्रॉपर्टीज में बॉइलिंग पॉइंट के क्वेश्चन उठाओ, बॉइलिंग पॉइंट कर रहे हो तो अल्कोहल हो चाहे एल्डिहाइड हो चाहे एसिड हो सब निपटा दो, साथ साथ कंपैरिजन कर दो। एसिडिक करेक्टर की बात किया, वो एसिडिक करेक्टर चाहे अल्कोहल का हो, फिनॉल का हो, एसिड्स का हो, किसी का भी हो, बेसिक प्रॉपर्टीज के बिना आज तक एग्जाम नहीं बना। बेसिक प्रॉपर्टी कहां से आएंगी, एमाइन से आएंगी, तो क्यों ना हम इन्हीं पोर्शन पे काम कर लें पहले। तो एमाइंस की प्रॉपर्टीज को पढ़े और ये हमारे लिए सबसे सेफेस्ट पोर्शन होगा। एमाइंस की बेसिक प्रॉपर्टीज पर काम करो, पोर्शन सिक्योर। कमेंट ऑप्शन के थ्रू बता देना अगर लगता है कि ओनली फॉर स्पेसिफिकली हमें एमाइंस पर बात करनी है कि सर क्या आप हमें ऐसी वीडियो दे सकते हैं जिसमें सारी प्रॉपर्टीज की बात हो, सभी नेम रिएक्शंस की बात हो या सभी केमिकल टेस्ट की बात हो, तो वी आर रेडी टू प्रोवाइड यू डिफरेंट काइंड ऑफ वीडियोस बेस्ड अपॉन एनी पोर्शन। तो ऑर्गेनिक को पढ़ने के लिए आपको पोर्शन वाइज पढ़ना होगा तो आपके लिए काफी ईजी रहेगा। तो ये थी एक छोटी सी शुरुआत जिसके थ्रू आपको बताया गया कि कैसे आपको थ्योरेटिकल पार्ट को सबसे पहले पढ़ना है, फिर आपको स्ट्रक्चर वाले पोर्शन पर काम करना है, फिर न्यूमेरिकल पे करना है। अगर न्यूमेरिकल को हमेशा की तरह पहले पढ़ोगे तो इंटरेस्ट नहीं बनेगा, डिफिकल्ट लगेगा, कहीं एक न्यूमेरिकल अटका, कॉन्सेप्ट में डाउटफुल है, वहां क्रॉस, इंटरेस्ट नहीं बन रहा, तो फिर पैकअप हो जाएगा। फिर जिस दिन इनिशिएटिव होता है उसी दिन ब्रेक लग रही है, तो बेटर क्या है कि इंटरेस्ट बना रहे, इसलिए सबसे पहले उस पोर्शन से शुरुआत करो, उस सब्जेक्ट से शुरुआत करो जो आपका सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो कोई भी हो सकता है। किसी को मैथ्स अच्छा लगता है तो किसी को केमिस्ट्री, किसी को फिजिक्स तो नहीं कहूंगा लेकिन किसी को बायो भी अच्छे लग सकते हैं, किसी को इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है, तो हर उस सब्जेक्ट से शुरुआत करो जिसमें आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा बन रहा है। हाँ मैं ये भी कहूंगा कि पढ़ने बैठते हैं तो पजल कि कहां से पढ़े कहां से ना पढ़े, इस पजलिंग को दूर करने के लिए मैं बोलता हूं कि क्यों ना आप ऐसा करें कि मटेरियल पहले अरेंज कर ले, क्यों ना एक बुक या एक बुक की बजाय मैं बोलता हूं नोट्स या कॉपी या प्रिंट आउट जो हमने पीडीएफ प्रोवाइड की या आप लोगों की कॉपी मेंटेन है उसी कॉपी के अंदर डिसाइड कर लो कि सबसे पहले मुझे इंग्लिश का पोर्शन पढ़ना है, यहां एक समरी पढ़नी है, मेरे इंग्लिश ओवर। मैंने केमिस्ट्री स्टार्ट की तो केमिस्ट्री में आज का टारगेट है जी आज मैंने कोऑर्डिनेशन कमांड के नोट्स को गो थ्रू करना है, दैट इज आर सेकंड सब्जेक्ट। थर्ड सब्जेक्ट की हमने बात की तो उसकी का मान लो फिजिक्स की हमने बात की तो उसी के लिए कोई स्पेसिफिक टॉपिक है तो उस टॉपिक को करना है, उसी एक डेरिवेशन को करना है, दैट्स इट। एक नई शुरुआत होगी, इससे आप हर सब्जेक्ट के टच में आएंगे। मैथमेटिक्स में पहुंचे तो आपके कुछ सिलेक्टेड लाइक 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, उन्हीं पर आप काम करें।
तो ऐसा करने से आपका हर सब्जेक्ट आपके टच में आएगा और इंटरेस्ट बनेगा। इसी तरह मल्टी राउंड बच्चे फॉलो कर सकते हैं। मॉर्निंग शिफ्ट आप लगाएं कि 9 to 12 में 3 hours मैंने बैठना है, और 3 hours मैं नहीं कहूंगा 3 hours कंटिन्यूअसली बैठो, 3 hours आप कंटिन्यूअसली पढ़ पाओगे, ऐसा नहीं पॉसिबल। तो क्या करोगे, 45 मिनट का आप राउंड लो, 3 सब्जेक्ट मैनेज करो। इस तरीके से आप डिफरेंट राउंड ले सकते हो एक डे में, तो आपके कई सब्जेक्ट मल्टी पोर्शन आराम से मैनेज हो सकते हैं। तो जी बच्चों, एक छोटी सी शुरुआत की गई है आप लोगों के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए। होपफुली आप लोगों के वीडियो पसंद आएगी। हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू प्रेस दैट बेल आइकन फॉर द फर्दर वीडियोज। थैंक यू सो मच।